हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून एंड हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब? मैं डॉक्टर अमित सिसोदिया आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑनलाइन वेंचर्स पे। तो बच्चों जल्दी से लाइव आ जाओ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बेटा एनडीए के हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहे हैं। आज हम बात करते हैं कुछ अल्टीमेट सिनोनिम्स की जो एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मतलब पूछे गए हैं और प्रीवियस ईयर बेटा क्वेश्चंस है। तो जल्दी से सब लोग लाइव आ जाओ, एक्नॉलेज योरसेल्फ ऑन द स्क्रीन, तो जिससे हम सेशन को शुरू करें। तो बच्चों शुरू करते हैं सेशन, ओके? तो बच्चों ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप फटाफट इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। सो यू विल गेट ऑल द पीडीएफ्स एंड अपडेट्स देयर। आपको सारी की सारी पीडीएफ्स और अपडेट्स बेटा यहाँ मिल जाएंगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यह है हमारी एप्लीकेशन, ऑनलाइन वेंचर्स एप्लीकेशन। बेटा ये आपको मिलेगी प्ले स्टोर पे। डाउनलोड दिस एप्लीकेशन, इसको इंस्टॉल कर लें। सो यू विल गेट ऑल द कोर्सेज, आपको सारे के सारे कोर्सेज बेटा यहाँ मिल जाएंगे। पेड कोर्सेज जो अभी आने वाले कोर्सेज हैं, आप उनके फीचर्स भी देख सकते हैं। तो बच्चों बी द पार्ट ऑफ ऑनलाइन वेंचर्स फैमिली और आज ही इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें। एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर अमित सिसोदिया। मैंने पीएचडी किया है इंग्लिश लिटरेचर में। 11 साल से ज़्यादा का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है। एग्जाम टॉट लाइक सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, ये सारे बेटा एग्जाम में एनडीए सब पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। 100,000 से ज़्यादा स्टूडेंट को अभी तक मेंटोर किया है। तो बच्चों बस अब आपकी बारी है, बस फटाफट आप भी लोग सिलेक्शन लेके दिखाएं, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 20, 1 से लेके 20 तक का क्वेश्चन का बेटा। आपको सेंटेंस बताने, आंसर्स बताने, आपको बताना है कि कौन सा वर्ड नियरेस्ट होगा, यानी कि जिसको हम सिनोनिम कहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दूंगा बेटा 30 सेकंड, आपको 30 सेकंड्स मिलेंगे, तो आप 30 सेकंड्स में बेटा आंसर्स करते जाएं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं सेशन। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, टेक योर टाइम, 30 सेकंड्स आर हियर टू गो एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी मैरी क्रिसमस। बेटा आज का दिन है क्रिसमस का, आज एक त्यौहार है, ठीक है। आप बढ़िया से सेलिब्रेट करें और फटाफट बच्चों आंसर करते जाएं, ठीक है। करो बच्चों शुरू। क्वेश्चन है आपके पास में, हिज बिहेवियर वॉज डेलिबरेटली प्रोवोकेटिव। आपको बस ये आंसर करना है कि प्रोवोकेटिव का बेटा सिनोनिम क्या होगा, ठीक है। यू हैव 30 सेकंड्स टू गो, 30 सेकंड का बेटा आपके पास टाइम है, जल्दी से करो। ओके, तो बच्चों समझे, देखो बिल्कुल सीधी सी बात है बेटा, उसका बिहेवियर कैसा होगा, डेलिबरेटली ऐसा होगा, जो भी है एग्जाम्पल लिखा गया इसमें से कोई ना कोई उसका बिहेवियर होगा बेटा। तो अब अगर उसका बिहेवियर कैसा होगा बेटा, हमें क्या पता चला कि ये पॉजिटिव वर्ड है नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। प्रोवोकेटिव लिख दिया, हो सकता है मीनिंग हमें याद ना हो, ठीक है। लेकिन बेटा एक बात बताओ, ऐसा होता है ना प्रोवोक करना, अगर मैं देख पा रहा हूँ तो इसमें साउंड है बेटा प्रोवोक की, ऐसा तो समझ आ रहा होगा। किसकी साउंड है बेटा? प्रोवोक की साउंड है। तो बड़ी सीधी सी बात है कि अगर इसमें प्रोवोक की साउंड है तो प्रोवोक करना भड़का देना होता है, तो उसी से बना प्रोवोकेटिव। मतलब देखो कभी भी हम आपको बताएं, जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बेटा ऐसा नहीं होता है कि आपको सारे के सारे वर्ड्स याद हों, लेकिन ये बिल्कुल 100% श्योरिटी है कि हम जब एग्जाम में बैठते हैं तो मेहनत कर सकते हैं। तो देखो अभी तक हो सकता है कि आपको प्रोवोकेटिव याद ना हो, लेकिन प्रोवोक ऐसा वर्ड है जो सबको याद होगा। तो प्रोवोक एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। एक्साइटिंग एक पॉजिटिव वर्ड, एक्साइटिंग डिजायर, ठीक है। इन्फ्यूरिएटिंग एक नेगेटिव वर्ड है बेटा, ठीक है। पिटिएबल, दया, ये भी एक नेगेटिव वर्ड है, लेकिन इसका इससे कोई मतलब नहीं है। और क्रिएटिंग फ्रस्ट्रेशन, बेटा ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये भी आंसर नहीं होगा, तो क्या आंसर होगा? इन्फ्यूरिएटिंग इज द करेक्ट आंसर। आई होप सो समझ आ गया होगा। तो देखो एग्जाम निकालना सच में मानो एक ट्रिक है बेटा। एग्जाम कभी भी इस बात से नहीं निकलेगा कि बहुत नॉलेज ही हो। एग्जाम निकालने के लिए बहुत डिपेंड करता है कि सच में आप क्वेश्चंस को पढ़ते कैसे हैं, आपकी खुद की इंट्यूशन क्या कहती है क्वेश्चन के बारे में, और आपकी जो नॉलेज है क्या आप सच में उसको अप्लाई कर पाते हो क्वेश्चंस पे या नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो आंसर क्या होगा बेटा? बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आ जाओ बच्चों, 30 सेकंड्स है, मोर देन सफिशियंट टाइम है, कोई भी बेटा इसको सॉल्व कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन है, आई डोंट वॉन्ट यू टू लीड अ लाइफ ऑफ साइकोफेंसी एज यू डिड रनिंग ड्यूरिंग द फॉरेन रूल, ठीक है। बताओ क्या आंसर होगा, मार्क करो बेटा करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। आई डोंट वॉन्ट यू टू लीड अ लाइफ ऑफ साइकोफेंसी, बस आपको साइकोफेंसी याद करना है कि क्या होता है बेटा। हाँ देखो सेंटेंस से क्या समझ आता है, थोड़ा सेंटेंस पे भी ध्यान देते हैं। आई डू नॉट वॉन्ट यू टू लीड अ लाइफ ऑफ, एक ऐसी लाइफ जिए साइकोफेंसी की,
एज यू डिड ड्यूरिंग द फॉरेन रूल, जैसा आपने फॉरेन रूल्स के टाइम पे किया था, ठीक है। तो बेटा साइकोफेंसी एग्जैक्टली होता है चापलूसी। क्या होता है बेटा? ये होता है ना चापलूसी, इसको कहते हैं बेटा साइकोफेंसी, मतलब चापलूस होना। तो एडमिरेशन तो पॉजिटिव वर्ड है तो आंसर हो ही नहीं सकता है, ठीक है। लव बेटा एक पॉजिटिव वर्ड है, ये भी आंसर नहीं हो सकता, बात सही है। अप्रिशिएशन एक पॉजिटिव वर्ड है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो बेटा अगर किसी को फ्लैटरी का मीनिंग नहीं भी पता है तो आप करेक्ट आंसर कैसे निकाल पाओगे? देखो ये तीनों वर्ड पॉजिटिव और तीनों सिनोनिम है एक दूसरे के, तो बेटा ये बताओ तीन आंसर कैसे हो सकते हैं पॉसिबल? तो यही चीज आप एग्जाम में भी ट्राई कर सकते हैं। देखो दो चीजें बेटा एग्जाम में, एक होता है कि मैंने पेन ही नहीं उठाना है, मतलब मुझे आता ही नहीं है, मैंने सरेंडर कर दिया। एक होता है नहीं मैं कुछ तो करके मानूंगा पेपर में, तो बेटा वो यही तो होता है कि मैं, मुझे समझ आ रहा है कि एडमिरेशन तो एक पॉजिटिव वर्ड है या लव भी एक पॉजिटिव वर्ड है, अप्रिशिएशन भी पॉजिटिव वर्ड है। तो अगर इस वर्ड का आंसर पॉजिटिव वर्ड ही होता तो इसके तो तीन आंसर बन जाएंगे। तो तीन आंसर कैसे पूछेगा एग्जामिनर? एक होगा ना डी विल बी द करेक्ट आंसर। देखो बच्चों ये जो मैं आपको पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्सेप्ट बताता हूँ, सुन लो वोकैब के साथ में। मैं ये नहीं कहता कि पॉजिटिव नेगेटिव आप ऐसे लगा लोगे, इसके लिए आपको वर्ड्स का याद होना बहुत जरूरी है, लेकिन उन वर्ड्स में कंफ्यूजन ना हो इसके लिए पॉजिटिव नेगेटिव बेटा बहुत अच्छे से काम करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट ट्राई करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। टेक योर टाइम बेटा, 30 seconds है, ठीक है। और मैरी क्रिसमस बेटा, आप बिल्कुल खुश रहें, बढ़िया से सेलिब्रेट करें, और आई विश कि बेटा इस साल में आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो और आप लोग बेटा सक्सेस गेट करें, ठीक है। कहीं ना कहीं आप बेटा सक्सेसफुल होने चाहिए। तो क्वेश्चन है, माय फ्रेंड इज एज स्टबर्न एज अ म्यूल, ओके। अब म्यूल आपको पता होना चाहिए क्या होगा, अगर आपको ये वर्ड पता है म्यूल तो आप यकीन मानो ये आपको पता चल जाएगा। जैसे मैं आपको कह देता हूँ, आपने कहा वो कैसा है, एज ब्लैक, समझना एज ब्लैक एज क्रो, वो इतना काला है जितना क्रो। तो बेटा क्रो जैसा होगा ऐसा ये वर्ड होगा, ठीक है। आपने कहा एज वाइट एज स्नो, तो यहाँ जो आप एडजेक्टिव लिख रहे हो यहाँ पे ये वाला बेटा, ये किससे रिलेट होता है, यहाँ वाले से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो म्यूल मतलब होता है ए डबल एस, एस की एक कैटेगरी होती है, ठीक है। और एस का एक नेचर होता है कि वह जिद्दी बहुत होता है, मतलब अपने ही काम में लगा रहता है, किसी की मानता नहीं है। तो बेटा अगर ये जिद्दी है तो जिद्दी का आंसर बताओ क्या होगा? बेटा सीधे सीधे समझ आ रहा है, ऑब्स्टिनेट विल बी द करेक्ट आंसर। अब बेटा ऑब्जर्व करने वाला, ऑब्जर्वेंट नहीं होगा, ये बोलता फैटी होता है, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। ऑब्नोक्शियस होता है बेकार का, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑब्स्टिनेट जिद्दी होता है, ठीक है। अब बताओ समझ आ गया, ओके। तो मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि बेटा क्वेश्चंस तो समझ आ जाएंगे, लेकिन पेन को छोड़ना नहीं है, मतलब मुझे एग्जाम में बेटा करके जरूर दिखाना है, बस ये आपको समझना है कि ऐसा नहीं है कि आपने पेन रख दिया और आपने सरेंडर कर दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो बेटा वो अब जैसे कॉर्पुलेंट है बेटा, इसको कॉर्पुलेंट मतलब होता है फैटी, एक्सट्रीमली फैटी, कुछ मोटा सा हो जाए, तो कॉर्प से रिलेट करो, कुछ ना कुछ रिलेट करना है बेटा। बस मैं ये चाहता हूँ कि स्टूडेंट कभी भी एग्जाम में पेन को ऐसे ना रख दे कि सर मुझसे तो पेपर बन ही नहीं रहा, ठीक है। तो आपको ये काम बिल्कुल नहीं करना है बेटा, ठीक है। पेन नहीं रखना है बिल्कुल भी, कुछ ना कुछ करके दिखाना है। चलो बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 seconds है बेटा, जल्दी से सॉल्व करो फटाफट, क्या आंसर होगा? टेक योर टाइम सॉल्व करो। हाँ देखो, इन इंडिया इट हैज बिकम इजी टू अटैक कल्चर, है ना, आर्टिफैक्ट्स दीज डेज। आजकल क्या हो रहा है कि जो कल्चर के आर्टिफैक्ट्स हैं ना उनके ऊपर लोग अटैक कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ समझ आ रहा होगा बेटा, जैसे कोई कल्चर आर्टिफैक्ट्स है उसके ऊपर अटैक कर रहा है। एक मिनट बच्चों, डिस्कनेक्ट हो गया, इट्स ओके, ओके। तो कल्चर आर्टिफैक्ट्स को बेटा हम अटैक कर रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बना बेटा, ये बिकॉन होता है, आपने देखा हो, ये इंडिकेशन होता है एक तरीके का, इंडिकेशन मतलब मानो कोई सिग्नल होगा, ठीक है, किसी चीज़ का आपने नॉड कर दिया किसी को ऐसे, तो वो आपने कहा सिग्नल देना किसी को, ठीक है। बेटा एसॉल्ट कैन बी द करेक्ट आंसर, एसॉल्टेड करना, बेल्च करना क्या होता है बेटा, जैसे आपकी जो एयर होती है वो एक्सपेल होती है ना स्टमक से माउथ के थ्रू, दैट इज कॉल्ड द बेल्च करना, ठीक है। अप्रिशिएट करना होता है मजे करना, तो करेक्ट आंसर बेटा बी ही तो हो सकता है, एसॉल्ट, ठीक है। अब बेल्च को इतना बड़ा वर्ड नहीं कि आपको याद ना हो बेटा, बेल्च करना सब जानते हैं, जब आप ज्यादा फूड खा लेते हैं तो एकदम से माउथ से एयर निकल के आती है, तो दैट इज कॉल्ड द बेल्चिंग, ठीक है। अप्रिशिएशन बिल्कुल आसान वर्ड है, बेकन सबको पता है कि बेकन लाइट भी होती है, बेकन इंडिकेशन होता है, दैट इज कॉल्ड द नॉड होता है। तो बेटा अटैक इतना आसान सा वर्ड था तो इसका सिनोनिम निकालना था, आई डोंट थिंक सो कि ये क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट था, ठीक है। बेटा एक बात और सुनो, ठीक है, आप में से कुछ बच्चे जो वोकैब लैडर में आते हैं, जितने भी बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं
और जो किस में आते हैं बेटा, वोकैब लेटर में आते हैं। पता वो क्या कहेंगे, सर ये तो बहुत आसान वर्ड है, ठीक है ना, ऐसे तो हम वोकैब लेटर में पढ़ते नहीं है। बेटा मैं आपको ये बताऊं, ये आपको बिल्कुल आसान लगेंगे क्योंकि ये सारे के सारे जो वर्ड हैं, ध्यान से सुनो बेटा, ये सारे के सारे वर्ड आपके एनडीए के ही क्वेश्चंस हैं। एक तो होता है कि हमने सेट कर रखे हैं, तो बेटा हो सकता है कि आप कहें सर आसान वर्ड लेकर आ रहे हो, ये बच्चों एनडीए के क्वेश्चन के ही, मतलब पेपर के ही क्वेश्चंस हैं, तो आप देखो कि क्या लेवल आता है। तो बेटा बिल्कुल अलग है, अगर आप सारे सेशंस देखते हैं तो एनडीए के क्वेश्चन अलग हैं बेटा, सीडीएस के अलग हैं, यानी कि सबका लेवल बिल्कुल डिफरेंस है। अब द बॉय इज वेरी टिमिड, अब बताओ वेरी टिमिड कह दिया, तो बेटा वेरी के बाद में टिमिड आ रहा है, तो ये एक एडजेक्टिव है, ये तो समझ आ रहा है। अब क्वेश्चन सीधे सीधे ये बचता है कि हम कैसे बताएं कि टिमिड एक पॉजिटिव है, टिमिड एक नेगेटिव वर्ड है। बेटा यही तो करोगे पेपर में, एक बार ट्राई करके देखते हैं। बेटा करेजियस एक पॉजिटिव वर्ड होगा, ठीक है, शाई एक नेगेटिव वर्ड होगा, ठीक है, क्लेवर बेटा कैसा होगा, क्लेवर इज ऑल्सो क्लेवर माने बेटा चतुर होता है, तेज बुद्धि वाला, ठीक है, और डल तो नेगेटिव हो गई होगा। अब क्वेश्चन आता है कि कौन सा मार्क करें, तो देखो इस तरीके से कभी कभी फंसने वाली बात भी हो जाती है कि जैसे यहां दे दिया, ठीक है, तो टिमिड मतलब होता है बेटा जो कैसा हो, वीक हो, यानी कि जो कैसा हो बेटा, क्लेवर तो हो ही नहीं सकता, मतलब जो वीक होगा, कमजोर होगा, ठीक है, और जो करेज होता है बेटा इसका अपोजिट होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो इसका निकल क्या आएगा, बी निकल के आएगा, शाई, क्योंकि देखो अगर टिमिड है तो क्लेवर का कोई मतलब नहीं बनता है कि चतुर है, क्योंकि फिजिकल से रिलेट करता है, ठीक है। अब डल है बेटा, डल तो ऐसा होता है ना, स्लंबर में पड़े रहना, उसके अंदर कुछ काम ही नहीं है, और करेज इसका अपोजिट हो जाएगा, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक। आ जाओ बेटा नेक्स्ट ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करो बेटा सॉल्व, 30 सेकंड से बेटा सॉल्व करो। द लोकल कोर्ट ग्रांटेड बेल, अब बेल हमको पता ही है क्या होती है, ठीक है, टू द क्रिमिनल ऑन थर्सडे, तो अब बेल को ग्रांट किया गया, तो ग्रांट माने क्या हो सकता है, कन्फेस्ड हो सकता है, डोनेटेड हो सकता है, अलाउड हो सकता है, या यील्ड हो सकता है, बताओ बेटा क्या आंसर होगा। टेक योर टाइम बेटा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होते हैं क्वेश्चन, का लेवल इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस एक थोड़ी सी दिक्कत यह है कि कभी कभी हम ही परेशान हो जाते हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी स्टूडेंट्स ही विकार में परेशान हो जाते हैं तो दिक्कत आती है, वरना पेपर का लेवल बेटा डिफिकल्ट नहीं होता है, या आप मान के चलो, ठीक है, करो जल्दी से, वेल डन, तो करें शुरू, आ जाओ बच्चे। द लोकल कोर्ट ग्रांटेड बेल, बेल ग्रांट कर दी बेटा, तो बेल ग्रांट कर दी। अब कन्फेस माने क्या होता है, अपने क्राइम को स्वीकार कर लेना बेटा, एक कन्फेस होता है, एक आपने सुना होगा ACCEPT, एक्सेप्ट होता है, एक्सेप्ट होता है कोई ऑफर स्वीकार कर लिया, कन्फेस होता है अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया, ठीक है। अब डोनेटेड होता है पैसे दे देना, तो बेटा बेल डोनेटेड थोड़ी होती है कि आपने दया दे दी, ठीक है बेटा, कोर्ट ने बेल दी है, दया थोड़ी दी है। Yielded मतलब तो किसी के सामने झुक जाना, समर्पण कर देना, यह आंसर नहीं होगा। तो बेटा अलाउड इज द करेक्ट आंसर, मतलब इसका सिनोनिम अलाउड ही हो सकता है, द लोकल कोर्ट अलाउड बेल टू द क्रिमिनल ऑन थर्सडे, ठीक है, समझ आ रहा है। वेल डन बच्चों, बहुत बढ़िया, सेंटा क्लॉज आज आपको पूरा एंटरटेन भी कर रहे हैं और बेटा विश भी दे रहे हैं, ठीक है, तो देखते जाओ और 30 सेकंड्स में बेटा क्वेश्चन भी सॉल्व करते जाओ, एंजॉय द सेशन बेटा, सेशन को पूरा एंजॉय करें एंड लाइक और शेयर करते जाना बेटा, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ आज क्या हुआ होगा, कुछ बच्चों को तो लगा होगा कि आज हॉलीडे, बेटा हमारे ऑफिस में भी बिल्कुल आज हॉलीडे है, ठीक है, बट वी आर ट्राइंग बेस्ट कि आपकी स्टडीज़ में बिल्कुल भी लॉस ना हो, तो पूरी टीम बेटा मेहनत कर रही है कि जब ऑफिस में लोगों की छुट्टी है तो घर जाएंगे, लेकिन कुछ रिकॉर्डेड प्रीमियर सेशंस आपको दे दे के आपका लॉस स्टडीज़ में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आई हैड डीपेस्ट कन्विक्शंस रिफ्लेक्टेड इन माई वर्क, बेटा डीपेस्ट कन्विक्शन है, ठीक, जो मेरे वर्क में दिखाई देती हैं, तो क्या हो सकते हैं आपके आइडियाज एंड ओपिनियन हो सकती है, फर्म बिलीव हो सकते हैं बेटा, प्रीजुडिस नहीं हो सकता, प्रीजुडिस होता है पूर्वाग्रह, मतलब मैं कुछ पूर्वाग्रह लगा देता हूं, और बायसेस तो बिल्कुल नहीं होगा, वन साइडेड हो जाना। तो बेटा दो चीजें बची, आइडियाज एंड ओपिनियंस, ठीक है, तो आई हैड सम डीपेस्ट आइडियाज एंड ओपिनियंस या फर्म बिलीव, तो बेटा आइडिया एंड ओपिनियन डीपेस्ट जो वर्ड है ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कोई चीज डीपेस्ट है तो आइडिया तो नहीं होगा, आपके विश्वास होते हैं बेटा, विश्वास मतलब जिसके लेके आप बने हुए हैं, तो आई हैड सम डीपेस्ट फर्म एंड बिलीव्स होगा, फर्म बिलीव्स होगा रिफ्लेक्टेड इन माई वर्क, जो मेरे काम में दिखाई देते हैं, मतलब दैट शोज कि आपका उस काम को प्रति बेटा पैशन कितना है, आप कितने पैशनेटली वो काम करते हैं, ये आपके फर्म बिलीव्स हैं बेटा जो आपके काम में दिखाई देते हैं, ठीक है। आई होप बच्चे यू ऑल गाइज आर इंजॉइंग द सेशन, मजा आ रहा होगा बेटा सेशन करने में, और देखो लेवल जो होगा बेटा, मैं फिर आपको ये कह दूं कि देखो ये सेशन मुझे भी ऐसा लगता है कि बहुत आसान है, ठीक है, आप भी सारे के सारे क्वेश्चंस करेक्ट कर रहे हो, लेकिन
मैं फिर आपसे कहता हूं बेटा, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, ये एनडीए के क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। और ये एनडीए के क्वेश्चन जिस लेवल के आते हैं वही लेवल है, तो मतलब हमने इसमें कोई चेंजेस नहीं किए हैं। 30 सेकेंड से हियर, करो बेटा सॉल्व। द जज सेड दैट ही वुड एनालाइज द एविडेंस एंड देन डिलीवर द वर्डिक्ट। क्या आंसर होगा बेटा डिलीवर के लिए? लिबरेट कर देगा, सरेंडर कर देगा, ट्रांसफर करेगा या प्रोनाउंस करेगा? मार्क योर आंसर। करो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व। करें बच्चों शुरू? बहुत बढ़िया। देखो बेटा, लिबरेट करना तो लिबर्टी से बना है, मुक्त कर देना। अब वर्डिक्ट क्या होता है? वर्डिक्ट होता है बेटा डिसीजन, है ना। अब जो डिसीजन होगा उसको आप मुक्त थोड़ी कर देंगे बेटा, डिसीजन को आप मुक्त थोड़ी करते होगे कि डिसीजन मुक्त कर दिया, ठीक है बेटा। डिसीजन को आप सरेंडर भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। सरेंडर करना तो कोई क्रिमिनल करता है। डिसीजन को बेटा आप ट्रांसफर कर सकते हो या प्रोनाउंस कर सकते हो। तो मैं आपको बताता हूँ बेटा, इन्हीं दो में कन्फ्यूजन हो रहा होगा। तो बेटा ट्रांसफर करना होता है किसी चीज़ को यहाँ से वहाँ भेज देना, और प्रोनाउंस करने का मतलब बोलना होता है। जैसे मानो मैंने बोलना वर्डिक्ट, तो मैंने बोला वर्डिक्ट, दो सिलेबल प्रोनाउंस किए अलग अलग, ठीक है। लेकिन प्रोनाउंस का मतलब होता है से समथिंग ऑफिशियली। बेटा आप ये भी याद रखना, से समथिंग ऑफिशियली, जब आप कुछ ऑफिशियली कहते हैं ना वो भी प्रोनाउंस करना होता है। तो जो जज है उसने ऑफिशियली कहा, इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। ओके, प्रोनाउंस ऑफिशियली, से समथिंग ऑफिशियली विद अथॉरिटी, उसके लिए भी बेटा हम प्रोनाउंस का यूज करते हैं, और बोलने के लिए भी हम बेटा प्रोनाउंस का यूज करते हैं। और बेटा जब ये वर्ब होती है तो प्रोनाउंस बोला जाता है, और जब ये नाउन होता है तो प्रोनंसिएशन बोला जाता है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस इन दोनों के बोलने में भी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन saw a massive rise in the population of Europe. तो बेटा massive का क्या होना चाहिए? Enormous होना चाहिए, erroneous होना चाहिए, hazardous या perilous, ठीक है। बताओ क्या आंसर होगा? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। massive आपने बहुत सुना होगा, मतलब ये वर्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि बेटा हम अपनी लाइफ में जरूर सुन के बैठे हैं। इस क्लास में बैठा हुआ एक भी बच्चा ये नहीं कह सकता है सर मैंने अपनी लाइफ में कभी भी मैसिव वर्ड नहीं सुना है। मतलब मैं इतना जानता हूं कि मैसिव आपने कभी ना कभी सुना होगा। अब देखो इनॉर्मस मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा, ठीक है। मैसिव ही तो होता है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन सॉ अ मैसिव राइज, तो बेटा राइज है, राइज माने बढ़ना होगा। तो बढ़ेगा क्या बेटा? आप ऐसे तो बेकार राइज देखा, मतलब बढ़ता हुआ, बहुत बड़ा राइज देखा, इसका मतलब ये ऐसा वर्ड है जो ऊपर की तरफ शो हो रहा है, ठीक है ना, बड़ा होता जा रहा है, साइज में बड़ा होता जा रहा होगा। तो बेटा इनॉर्मस यही होता है ना, बिग इन साइज, ठीक है, इनॉर्मस होना। एरोनियस बेटा गलती होना, एरर से रिलेटेड है, कुछ भी ना निकले एरर की साउंड आती है, ब्रेक कर दो, ठीक है। हजार्डियस गैसेस सुनी होती है बेटा, नुकसानदायक, ठीक है, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता है बेटा। पेरिलियस खतरा होता है, डेंजर, ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? ए विल बी द करेक्ट आंसर, इनॉर्मस, ठीक है, ओनली ए विल बी द करेक्ट आंसर हियर। वेल डन बच्चों, आजो क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करते हैं। आजो बच्चों बताओ, द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द पीजेंट मूवमेंट वॉज डिसोल्यूट, ठीक है, उसी से बना वर्ड है, इनडिसोल्युबली लिंक्ड विद द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। बताओ बेटा क्या आंसर होगा? फॉर्मली, वेग्यूली, इंडिविजुअली या सपोर्टिव? करो बेटा करेक्ट आंसर क्या होगा? ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो सेंटेंस समझो पहले, द ग्रोथ, ग्रोथ हमें दिखाई दे रहा है, नाउन है, एंड डेवलपमेंट किसका बेटा? ऑफ द पीजेंट मूवमेंट का, जो पीजेंट मूवमेंट की ग्रोथ हुई या जो उसका बेटा क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। इनडिसोल्युबली लिंक्ड था, वो इनडिसोल्युबली लिंक्ड मतलब कैसे लिंक था? विद द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, मतलब वो कैसे इसके साथ लिंक था। तो बेटा जब कोई चीज़ की ग्रोथ हो रही होगी या डेवलपमेंट हो रहा होगा और वो किसी दूसरे से लिंक्ड है, तो बेटा वो कैसे लिंक्ड होगा? पॉजिटिवली लिंक्ड होगा, नेगेटिवली लिंक्ड होगा? तो बेटा एक बात बताओ, अगर वो नेगेटिवली लिंक्ड है तो ग्रोथ डाउन चली जाएगी, पॉजिटिवली लिंक्ड है तो ग्रोथ ऊपर बढ़ जाएगी, ठीक है। तो वो दोनों आपस में जुड़ के आगे बढ़ते हैं। तो अब आंसर आता है बेटा पॉजिटिव। तो फर्मली आपका तो पॉजिटिव वर्ड है, ये आंसर हो सकता है। वैग्यू तो नहीं हो सकता ना, बेकार का वैग्यू विच इज नॉट क्लियर, ये तो आंसर नहीं होगा बेटा। इंडिविजुअली बिल्कुल नहीं हो सकता कि दो ग्रोथ है इंडिविजुअली होगा। एंड बेटा सपोर्टिव एक ही हो सकता है, तो इन दोनों में से एक होगा।
तो बेटा सपोर्टिव होता है एक दूसरे की सपोर्ट करना, लेकिन ये दोनों आपस में अच्छे से लिंक कर गए तो करेक्ट आंसर जो निकल के आएगा बेटा फॉर्मली विल बी द करेक्ट आंसर। समझ पा रहे हो? सपोर्टिव जो होगा वो थोड़ा सा मतलब स्ट्रांग वर्ड नहीं निकल के आएगा यहाँ पे इनडिसोल्युबली के लिए, ठीक है, क्योंकि बेटा वो बहुत स्ट्रांग नहीं है। ओके चलो आ जाओ नेक्स्ट ट्राई करते हैं। नेक्स्ट बताओ बच्चे, हिज कैंडिड ओपिनियंस हैव वॉन हिम मैनी फ्रेंड्स। अभी कैंडिड वर्ड कैसा होता है बेटा? बस कैंडिड के उसकी जो ओपिनियंस है ना, हैव वॉन हिम मैनी फ्रेंड्स। देखो सेंटेंस में पता चल रहा है कैसे, ये चीज आप सेंटेंस से जरूर सोचा करो, उसकी जो ओपिनियंस है ना, हैव वॉन हिम मैनी फ्रेंड्स, ये वर्ड अगर बहुत सारे फ्रेंड्स उसके बन जाते हैं इसकी वजह से तो ये वर्ड बेटा पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव वर्ड नहीं हो सकता है। अगर आप अच्छे हैं तभी आपके बहुत सारे फ्रेंड्स बनते हैं, और अगर आप बुरे हैं तो आपके फ्रेंड्स नहीं बन सकते हैं। तो अब देखो बेटा, यहाँ आप देख पा रहे हो काइंड, कोर्टियस, जेनरस और फ्रेंक, जैसा आप देख पा रहे हो सारे पॉजिटिव वर्ड्स ही हैं भाई। काइंड भी पॉजिटिव ही है, कोर्टियस भी पॉजिटिव है, जेनरस भी पॉजिटिव है, फ्रेंक भी पॉजिटिव है। तो करेक्ट आंसर बेटा क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? जल्दी से पोस्ट करते चले जाओ बेटा। काइंड होता है दयालु, ठीक है। अब उसकी ओपिनियन देखो, अब हम बात समझते हैं कैसे कि पॉजिटिव है, लेकिन ओपिनियंस की हम बात करें कि उसकी ऐसी ओपिनियंस, तो कैसी ओपिनियन बेटा? अब कहते हैं काइंड ओपिनियन, तो बेटा ओपिनियन काइंड कैसे हो सकती है? ठीक है, ये आंसर हटा दो। उसकी ओपिनियन कोर्टियस नहीं होगी, जेनरस नहीं होगी। करेक्ट आंसर है बेटा फ्रेंक ओपिनियन, यानी कि वो अपनी बात को बहुत फ्रेंकली कहता है, सबके सामने खुल के कहता है, और हैव वन मैनी फ्रेंड्स मतलब सब उसे पसंद करते हैं, क्योंकि ओपिनियन बेटा एकदम ओपन है, एकदम खुल के है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, करो बेटा सॉल्व। वेदर कंडीशंस हैव बीन इंप्रूविंग ओवर द पास्ट फ्यू डेज, क्या आंसर होगा बच्चे? मेंडिंग होगा, अमेंडिंग होगा, ठीक है, और बिकमिंग बेटर होगा, एडवांसिंग होगा। करेक्ट आंसर बताओ बेटा क्या आंसर होगा? ठीक है चलो शुरू करें। बेटा वेदर कंडीशंस हैव बीन इम्प्रूविंग ओवर द पास्ट फ्यू डेज, मुझे लगता है इम्प्रूव वर्ड बड़े अच्छे से समझ आ रहा होगा कि कुछ इम्प्रूव करती जा रही है। अब बात आती है बेटा मेंडिंग, मेंडिंग मतलब सुधारना, तो ये तो नहीं होगा भाई। इम्प्रूव करना, सुधार मतलब मेंड करना, चेंज कर देना, तो मेंड योर वेज जैसे होता है, तो आंसर नहीं होगा। अमेंडमेंट से बना हुआ अमेंडिंग की कुछ चेंजेस हुए, नहीं बेटा। अब दो वर्ड आते हैं, या तो बिकमिंग बेटर होगा, एडवांसिंग होगा। एडवांसिंग होता है बेटा किसी स्केल पे आगे निकल जाना, जैसे कि ना उसकी, अब मैं उसकी प्रोग्रेस में एडवांसमेंट देख रहा हूँ, यानी कि प्रोग्रेस में एडवांसमेंट है, या प्रोजेक्ट एडवांसिंग है, यानी कि टाइम से थोड़ा सा आगे चल रहा है, ठीक है। तो अब ये इंप्रूविंग वर्ड बेटा एडवांसिंग को लेकर ज्यादा सुटेबल नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा बेटा सी, बिकमिंग बेटर विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट ट्राई करो बच्चे। बिजनेसमैन हु लैक एक्यूमेन कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू बी वेरी सक्सेसफुल, सेंटेंस पढ़ो समझो और बताओ क्या आंसर होगा। बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है बेटा, समझ आ गया होगा कि बिजनेसमैन हु लैक एक्यूमेन कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू बी वेरी सक्सेसफुल, बताओ बेटा क्या आंसर होगा। टेक योर टाइम, लेकिन आंसर बेटा बिल्कुल सही देना है, गलतियां करने की कोई मुझे लगता है गुंजाइश नहीं होनी चाहिए इतने आसान क्वेश्चंस में, ठीक। और मैं जितने भी बच्चे नए हैं उनसे कहूंगा कि बेटा एक बार आप लोग वोकैब लैडर जरूर ज्वाइन करें बेटा, सुबह 8 बजे वाला सेशन, और आपको तब समझ आएगा कि वोकैब की असली ओरिजिनैलिटी क्या है और कैसे हम वर्ड्स को आपको याद करा लेते हैं, ठीक है। आ जाओ बेटा, बिजनेसमैन, जो भी कोई बिजनेसमैन है, हु लैक, जिसके पास कमी है इसकी, कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू बी वेरी सक्सेसफुल, वो अच्छा हो ही नहीं सकता है। तो बेटा किसकी कमी होनी चाहिए इसकी, अब ये क्या हो सकता है बेटा? सही बात है, बिजनेसमैन के पास नॉलेज की कमी होगी, ठीक है बेटा। किसकी नॉलेज, ये कुछ ऐसा समझ आ रहा है ना, नॉलेज जैसा वर्ड है, ठीक है। अब नॉलेज जैसा ये वर्ड है, लिख दे, दिस इज नॉलेज, ठीक है। अब बेटा जब नॉलेज की बात हम कर रहे हैं, तो नॉलेज के साथ में क्या आना चाहिए? फेयरनेस, शार्पनेस, बोल्डनेस और राइटियसनेस। बेटा इसमें फेयरनेस तो बिल्कुल हटा दो, और एक बोल्डनेस हटा दो, कि बिजनेसमैन है तो बोल्ड माने तो बहादुर होता है। अब आता है राइटियसनेस, बेटा राइटियसनेस होता है मोरल, जैसे आप मोरली अच्छे होते हैं, नैतिकता आपकी अच्छी हो, ठीक है। और शार्पनेस होता है बेटा जैसे आपकी सोचने की बुद्धि बहुत तेज है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इन दोनों के अंदर, बी और डी के अंदर, तो बेटा नॉलेज से रिलेटेड वर्ड होगा शार्पनेस, क्योंकि ये तो मोरल रिलेटेड है, तो डी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या मार्क करेंगे? बी मार्क करेंगे, ठीक है।
आई होप सो बिल्कुल क्वेश्चन क्लियर समझ आ रहा होगा बेटा। वॉकैब में यही चीजें होती हैं कि आपको ये समझना है कहीं ना कहीं कि करेक्ट वर्ड क्या होगा। बेटा चार ऑप्शंस आते हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं दो ऑप्शन बेटा आपको कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है। जैसे देखो अब सेंटेंस लिखा गया, द कंफ्यूजन ऑन द इंटरल्यूक्यूटर फेस वॉज ग्रेटिफाइंग, ठीक है। अब इंटरल्यूक्यूटर कौन होगा, गवर्नमेंट ऑफिशियल होगा, ऑफिसर होगा, पार्टी वर्कर होगा, या डायलॉजिस्ट होगा, या फिर रिवोल्यूशनरी होगा, ठीक है। अब आपको ये बताना है, कुछ वर्ड बच्चों ने ये वर्ड पढ़ा होगा तो उनको याद आ रहा होगा ये कौन होता है, ये होता है मिडिल मैन, ठीक है। मिडिल मैन एक ऐसा आदमी जो मध्यस्थता करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन फिर से फंस जाता है कि जब मिडिल मैन है तो ये गवर्नमेंट ऑफिसर भी हो सकता है, ये तो कोई पार्टी वर्कर भी हो सकता है ना, ये डायलॉजिस्ट भी हो सकता है, या फिर ये रिवोल्यूशनरी भी हो सकता है। तो बेटे इसका एक और मतलब होता है वन हु प्रोवाइड्स डायलॉग टू समथिंग, ठीक है, या किसी के लिए डायलॉग प्रोवाइड करता है वो होता है। तो बेटा गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं होगा, ये मिडिल मैन होता है, पार्टी वर्कर नहीं होगा, रिवोल्यूशनरी नहीं होगा, तो ये होगा बेटा डायलॉजिस्ट। डायलॉजिस्ट मतलब जो डायलॉग्स की बात करता है। तो करेक्ट आंसर बेटा सी होगा, दैट कैन बी द करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन कभी कभी कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं कि ये उसका जो आप डिक्शनरी में मीनिंग ढूंढते हैं वो कुछ और होता है, और अगर आप सारे मीनिंग्स को सर्च करते हैं तब आपको पता चलता है कि इसके कुछ और मीनिंग मिल जाते हैं, ठीक। आ जाओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, बताओ। द पुलिस फायर इनडिस्क्रिमिनेटली एट द क्राउड, द पुलिस फायर इनडिस्क्रिमिनेटली एट द क्राउड किलिंग मैनी इनोसेंट वीमेन एंड चिल्ड्रन, क्या आंसर होगा। कॉन्टिन्यूसली विदाउट डिस्टिंग्विशिंग और फुलिशली और रैपिडली, बताओ बच्चे क्या आंसर होगा 15 का, ठीक है। चलो अब सुनो, अब जैसे इनडिस्क्रिमिनेटली हमें समझ नहीं आया, देखो मैं बताता हूं इसमें कंफ्यूजन का है, जो आपके आंसर आ रहे हैं उसमें भी आपको समझ आ रहा होगा। इसमें बेटा कॉन्टिन्यूसली किसी का आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। अब सुनना, एक ही वर्ड है ना फुलिशली, ये भी कुछ ने मार्क किया लेकिन ये नहीं होगा। ज्यादा आंसर आया रैपिडली, तेजी से बहुत ज्यादा। अब मेरी बात सुनो बेटा, इनडिस्क्रिमिनेटली की बात करते हैं, आपने सुना होगा डिस्क्रिमिनेशन, बेटा सुनो डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, ऐसे डिस्क्रिमिनेशन। तो आपने सुना होगा बेटा डिस्क्रिमिनेशन होता है कि कास्ट को लेकर डिस्क्रिमिनेटेड है, या रेस को लेकर डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है कि किसी को आप ऐसे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो और तुम्हारी कास्ट अलग है तो तुमसे हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेशन। तो डिस्क्रिमिनेशन होता है बेटा किसी को अलग कर देना, सेपरेट कर देना, ठीक है। क्या करना बेटा, सेपरेट कर देना, ठीक। अब सेपरेट करने से है तो मतलब इन्होंने सेपरेट नहीं किया, मिला के, तो बेटा समझ आ गया ना, विदाउट डिस्टिंग्विशिंग, किसी को डिस्टिंग्विश नहीं किया कि कौन औरत है कौन बच्चा है, सबके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। तो करेक्ट आंसर बेटा बी निकल गया। आई होप सो बात समझ आ गई होगी कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है बेटा। यही तरीका है एग्जाम में, बस ये होता है कि थोड़ा टाइम कम होता है और हम जल्दबाजी में क्वेश्चंस को गलत कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन करोगे आप, अभी आपको समझ आएगा कि इस क्वेश्चन में छोटी सी गलती आपसे हो सकती है। ही स्पेंड्स हिज मनी लाविशली, तो बेटा हेजिटेंटिंगली या जेनरसली या फिर फुलिशली या केयरफुली, करो बच्चा आंसर क्या होगा। करो बच्चों आंसर। हाँ देखो अब समझ ना, मैं क्यों कह रहा था कि इस क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, अब आप समझ पा रहे होंगे। देखो लाविश स्टाइल हम सबको पता है, लाविश स्टाइल लाइफ स्टाइल होती है, लाविश लाइफ स्टाइल, ठीक है। लाविश लाइफ स्टाइल होती है जिसमें आदमी बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर देता है, ठीक है। अब हेजिटेंटिंगली तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल सही बात है, और ये जो ना केयरफुली, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। दो आंसर बिल्कुल नहीं है, या तो जेनरसली होगा या फुलिशली होगा। अब होता क्या है कि हमें लगता है कि वो पैसे बर्बाद करता है और हम जल्दबाजी में बेटा फुलिशली मार्क कर देते हैं। फुलिशली होता है बेटा जिसमें बिल्कुल भी सेंस ना हो, जो पागल हो, जिसमें मतलब बिल्कुल दिमाग काम ना करता हो। और जेनरसली होता है बेटा खुले हाथ से भी होता है, जेनरस का मतलब होता है ओपन हार्टेडली, यानी कि वो ऐसे ही पैसे देते जा रहा है, उसको यही नहीं पता कि उसके पास कितना खत्म हो गया। तो इन दोनों में बेटा करेक्ट आंसर बी होगा, समझ पा रहे हो। जैसे आपने कहा वो लाविश लाइफ स्टाइल जीता है, तो बेटा मूर्खों वाली लाइफ स्टाइल कैसे हो सकती है, वो तो जेनरस है, देख के लगता है कि खुले दिल से जीता है, समझ गए।
अंतर समझना बात को, आप उसको फुलिश लाइफस्टाइल नहीं कह सकते कि मूर्खों वाली लाइफस्टाइल है। भाई उसके पास पैसा है, वो बिल्कुल हाथ खोल के मतलब स्पॉइल कर रहा है उसको, यानी कि जेनरस पूरे तरीके से खुल के खेल रहा है बेटा पैसे के साथ में, तो आप उसको मूर्ख कैसे कह सकते हो? तो फुलिशली नहीं होगा, ठीक है। इसमें बेटा हम लोग फुलिशली की तरफ डायरेक्ट कर जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पेपर में बेटा हमें परेशान कर देते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देना, शेयर तो कर देना, क्योंकि आज का सेशन ना बच्चों को ऐसा लगा होगा कि कहीं ना कहीं टीचर्स आज ऑफ होगा क्योंकि हॉलीडे तो है ही बेटा, ठीक है, तो लाइक करें। बैड टेंडेंसीज आर टू बी काउंटर्ड बाई गुड वंस अंटिल ऑल दैट इज इविल डिसअपीयर्स। क्या आंसर होगा बताओ बच्चे, जल्दी से आंसर करो 17 का। अरे तो सेंटेंस समझ आ रहा है ना, ये है आपकी बैड टेंडेंसीज आर काउंट आर टू बी काउंटर्ड बाय गुड वन, बेटा हो गया लो, ये आ गया समझ, ठीक है। ये बैड है, ये गुड है, ठीक है, तो आमना सामने तो करवा रहे हो बैड और गुड का, ठीक है, ये हो गया। तो बेटा क्या आंसर होगा, बैलेंस तो बिल्कुल नहीं हो सकता, रिड्यूस नहीं हो सकता, बाईपास नहीं हो सकता, बाईपास मतलब होता है ऐसे निकल जाना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर बेटा अपोज्ड होगा, ओनली ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। बढ़िया मजा आ रहा होगा बेटा सेशन में, कोई दिक्कत नहीं होगी हो रही होगी, सेशन बिल्कुल सिंपल से बिल्कुल सीधे सीधे चल रहे। नेक्स्ट आ जाओ बच्चे, नेक्स्ट बताओ क्वेश्चन नंबर 18 करो बेटा सॉल्व। द गवर्नमेंट्स न्यू पॉलिसीज विल कम इनटू फोर्स फ्रॉम द नेक्स्ट फिस्कल ईयर। बिल्कुल एक बार में समझ आ जाएगा, किसी को इस वर्ड का मीनिंग ना भी पता हो वो भी बता देगा कि क्या आंसर होगा, कि बेटा कैलेंडर ईयर होगा, एकेडमिक ईयर होगा, फाइनेंशियल ईयर होगा या लीप ईयर होगा, ठीक है। मार्क करो जल्दी से, मार्क योर आंसर बच्चों। अब ये फिस्कल वर्ड को ये कहता है कि सर मुझे नहीं पता, बेटा किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा बहुत तो इकोनॉमी पढ़ाई होगा, और अगर इकोनॉमी पढ़ा होगा तो फिस्कल वर्ड 101% टीचर ने आपके सामने बोला होगा, क्योंकि इकोनॉमी में फिस्कल वर्ड के बिना कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो बेटा कैलेंडर ईयर नहीं होगा, एकेडमिक हो ही नहीं सकता, गवर्नमेंट की न्यू पॉलिसीज हैं, और लीप बेटा ये आपने पढ़ा होगा रीजनिंग में, लीप ईयर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा फाइनेंशियल। अब बताओ कहां दिक्कत है, ठीक। आप ये देखो बेटा 20 में से ऐसे कितने क्वेश्चन है जो आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, और अगर बेटा आप 17 से 18 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत बहुत अच्छी है, ठीक है। आ जाओ बेटा, एक दो तो ह्यूमन एरर भी होते हैं, एक दो क्वेश्चन बेटा गलत हो सकता है, बताओ क्या होगा। इट इज अनवाइज टू सीवर डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद द नेबरिंग कंट्रीज ओवर स्मॉल मैटर्स। मैं बता रहा हूं इसमें थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन होगा। एंगेज करना, एस्ट्रेंज करना, कट ऑफ करना, ट्विस्ट करना, बेटा बताओ क्या आंसर होगा, जल्दी से बताओ। देखो एक जो प्रॉब्लम आई होगी वो मैं बताता हूँ क्या आती है, ठीक है। इन्होंने कुछ ऑप्शंस ऐसे दे दिए कि आपको नहीं आई। बेटा एक वर्ड होता है SEVERE, सीवियर। सीवियर मतलब होता है बहुत तेज, जैसे आपने कहा मुझे सीवियर पेन है, मुझे बहुत तेज पेन है, बेटा होता है सीवर। सीवर का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा चॉप करना, या बेटा इसका मतलब होता है कट करना, ठीक है। और सुनो यहां कुछ हमें समझ भी आ रहा था, इट इज अनवाइज टू सीवर डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद द नेबरिंग कंट्रीज ओवर स्मॉल मैटर्स, मतलब छोटी छोटी बातों पे आप दूसरी कंट्रीज से बेटा अपने रिलेशंस को खत्म नहीं करते हो। तो एंगेज करना तो जोड़ना होता है, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता है बेटा। एस्ट्रेंज करना होता है अलग हट जाना, मतलब अवे हो जाना, किसमें बेटा, कुछ कस्टमरी थिंग्स में, ठीक है ना, अलग अलग हो जाना, ओके। कट ऑफ करना होता है रिलेशंस को खत्म कर देना, करेक्ट आंसर है। और ट्विस्ट का कोई मतलब ही नहीं है बेटा, मोड़ना, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या हो सकता था, जैसे एंगेज की जगह यहाँ एनरेज होता तो हमें लगता है सीवियर माने तो बहुत ज्यादा होता, तो एनरेज शुड बी द करेक्ट आंसर। तो कहीं ना कहीं वी मे बी कंफ्यूज, लेकिन याद रखना सीवियर अलग है, सीवर अलग है बेटा, ठीक है। आजो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो 20, बताओ बच्चों क्या होगा। अबंडेंट फूड वॉज अवेलेबल फॉर द सोल्जर्स इन द मेस। अबंडेंट फूड वॉज अवेलेबल फॉर द सोल्जर्स इन द मेस, बेटे एक ऐसा वर्ड है अबंडेंट जो मतलब अगर आपने कहीं से वो याद करने शुरू किए वर्ड, तो बेटा ऐसी कोई वोकैब की लिस्ट नहीं हो सकती जिसमें अबंडेंट वर्ड ना हो। अबंडेंट, अबंडेंस, आपने 101% पढ़ा होगा कि ऐसी कोई, मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी बुक उठा लेना जिसमें वोकैब याद करवाई जाती हो, और अगर वोकैब की लिस्ट आपने ट्राई की है तो बेटा अबंडेंट जरूर होगा, ठीक है। तो फूड वॉज अवेलेबल फॉर द सोल्जर्स इन द मेस,
तो बेटा कैसा फूड अवेलेबल है, अगर कोई चीज़ फूड अवेलेबल है तो वो अच्छी होगी ना, ठीक है। तो अबंडेंट फूड वॉज अवेलेबल, तो बेटा लिटिल का मतलब नेगेटिव आंसर नहीं हो सकता है, प्लेंटीफुल कैन बी द करेक्ट आंसर। डिलीशियस का मतलब होता है टेस्टी फूड, तो बेटा ये नहीं होगा, होलसम मतलब पूरा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो बच्चों ये थे आज के 20 क्वेश्चंस, लेकिन जाने से पहले बेटा अपना टाइम टेबल जरूर नोट कर लेना, सुबह 8 बजे वोकैब लैडर आपको जरूर अटेंड करनी है, मस्ट अटेंडेड सेशन, 1 बजे इंग्लिश की क्लास होती है मेरे साथ में, जो अभी हमने आपको कराई है, प्रैक्टिस कराएंगे एनडीए के क्वेश्चंस, 2 बजे जनरल साइंस जुबेर हसानी सर के साथ में, 3 बजे जीए का क्लास कासिफ अंसारी और अभिषेक सिंह लेंगे, और बेटा 5 बजे मैथमेटिक्स होगा रणधीर सिंह का, और 8 बजे करंट अफेयर्स होगा। तो बेटा इन सारे सेशंस को आप डेली अटेंड करें, डोंट मिस आ सिंगल सेशन। बच्चों अगर आपको इंग्लिश का पूरा कोर्स पढ़ना है तो अभी देखो ऑनलाइन बेंचेस आपकी पूरी मदद कर रहा है, सिर्फ 999 में आपको इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स मिलेगा फॉर 1 ईयर वैलिडिटी के लिए, 1 साल के लिए बेटा सिर्फ 999 में, ठीक है। सारे नोट्स पीडीएफ सब कुछ शेयर किया जाता है बेटा कोर्स में, डाउट सेशंस लिए जाते हैं, तो मैं कह सकता हूँ ये अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। हम चाहते हैं हर बच्चे को पढ़ाना, इसलिए चार्जेस इतने कम हैं। आप पूछ सकते हो सर इतने सस्ते में क्यों पढ़ा रहे हो, बेटा आईबी में आपका सपना साकार हो सकता है, क्योंकि आपको पता है 2000 वैकेंसी आई है बेटा, जो बहुत 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 ज्यादा है, ठीक है। तो इन 2000 वैकेंसीज की वजह से बेटा आपका इसकी तरफ रुझान होना चाहिए, और बेटा इसके चार्जेस हैं जो आप देख पा रहे हो 3499 एंड 2999। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज है बच्चों 25 तारीख, अगर आपने आज रात तक हमारा कोर्स लेते हैं तभी बेटा आपको 2999 देना होगा, उसके बाद ये चार्जेस 3499 हो जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों याद रखना, ये एसएससी रेलवे हमारे फ्री यूट्यूब सेशंस जो क्लासेस हैं या टीम है बेटा, सारी टीम आपके सामने, ये सारे टीचर्स आपको क्लास प्रोवाइड करते हैं, खूब इनके यूट्यूब्स लें जिससे आपको डेमो कन्फर्म्ड हो जाए कि ये लोग कैसा पढ़ाते हैं। मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू, एंजॉय द डे, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।